आप इस क्लास में क्या कर रही है? मैम, मैं आपको फील कर रहा हूँ। कोई नहीं कुछ है। मेरा मतलब है, मैं आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। एग्जाम को लेकर तो आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे, फिर आपने 90% मार्क्स कैसे लेकर आया? नहीं मैम, आप मुझे नेगेटिव समझती थी, मैं एग्जाम्स को नेगेटिव समझता था। आप तो जानती हैं ना कि हम मैथमेटिक्स में क्या सीखते हैं। क्या सीखता है? यही कि दो नेगेटिव्स को साथ में मिला दो तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। आप समझिए ना मैम, मैं क्या कह रहा हूँ। अबे पीछे हटना यार, आने देना। अरे राजू साहब आया। आपका फिलोसफी का प्रोफेसर क्लास में है और आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है। हम तो सिर्फ अपनी बॉडी से टेंशन दूर करके रिलैक्स कर रहे थे ताकि हम सब आपके लेक्चर के लिए फ्रेश हो सके। रियली? तो पहले क्यों नहीं बताया? आप लोग जानते नहीं, मैं सिर्फ फिलोसफी का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक योगी भी हूँ। रोगी? सर कौन सा रोग है आपको? सर रोगी नहीं, योगी। योग, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ मेडिटेशन ऑफ पीस। चलिए सब अपनी आंखें बंद करिए, आज फिलॉसफी क्लास से पहले हम सब मेडिटेट करेंगे आनंद के लिए। कौन आनंद सर? हम तो बस एक ही आनंद को जानते हैं, वो एवरग्रीन देवानंद। देवानंद साहब की तरह एवरग्रीन रहने के लिए हमें जिंदगी के हर आनंद का लुत्फ उठाना चाहिए। तो एवरीबॉडी क्लोज योर आईज और मेरे साथ बोलिए ओ। शाबाश भी, अपनी आंखें खोलो, देखो चारों तरफ कितनी शांति है। सारी बुरी शक्तियां जा चुकी हैं, इसलिए क्योंकि वो आनंद को नहीं ढूंढ पाई। इसे देखो, ये भी कितने आनंद से तुम्हें देख रही है। देखो, सुनिए। तुम्हारे जितने खूबसूरत नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, मुझे फूलों से एलर्जी है। स्टूडेंट्स, व्हाट मेड मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स टू ह्यूमंस? सुन रहे? वो क्या वजह थी जिससे इंसान का बंदर से मनुष्य में निर्माण हुआ? शायद वो केले खा कर थक गया होगा सर। वेरी फनी। निर्माण, चेंज, परिवर्तन, ये जीवन का नियम है। हम खुद देखते हैं कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक कैसे बदलता है ये जिस्म, ये दिमाग। ग्रेट, ऑलराइट, नेक्स्ट। यू आर अ वेरी इंप्रेसिव स्टूडेंट, आई एम प्लीज्ड। यस सर, जब मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो इस चीज में पूरी तरह खो जाता हूँ। वंस आई मीन आई मीन। अब उसे उंगली करना बंद कर। ओके मैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाओ प्लीज। देखिए, टीचर कितना भी पढ़ा ले, वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक स्टूडेंट सीख ना ले। It is not the teacher who teaches, it is the student who learns. Sir, इसका मतलब ये है कि आपको जो तनख्वाह मिलती है हमें पढ़ाने के लिए, वो actually हमें मिलनी चाहिए सीखने के लिए। Good. Thank you. तुमने सिर्फ मेरी बात सुनी, समझी नहीं। Anyway, चुप। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स होंगे जो घर पर गायत्री मंत्र पढ़ते होंगे। Yes, sir. Oh, सुनाओ। ओम भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो यो मैन। करेक्ट। मीनिंग पता है?
गोगो, बोलो बोलो। सर मुझे थोड़ी ना मालूम होगा कि उसका मतलब क्या है। वो तो मम्मी ने सिखा दिया और मैंने रट लिया। एग्जैक्टली माई पॉइंट। बिना समझे पढ़ने का ये एक और एग्जाम्पल है। कोई है यहाँ पर जो गायत्री मंत्र का मीनिंग जानता है? या इसका अर्थ है, हे माँ, हमारे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को हमसे दूर करके सत्य और त्याग की रोशनी भर। गुड गुड। तुम्हारे कितने परसेंटेज हैं? सर वो मुझे 92% तो नहीं आ सकता ना सर, 35%। साइलेंस। देखिए, इस पर हंसने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहीं खुद पर तो नहीं हंस रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये लड़का 90% मार्क्स लेकर आए। डोंट फॉरगेट, कमल कीचड़ में ही खिलता है। हाँ सर, मेरे एक दोस्त का मानना है कि मुझ जैसे कमल को कीचड़ में ही रहना पड़ेगा। आ! Tell me something. How did you know? What? वही ओम भूर्भुवस्वः जो तुमने कहा क्लास में। गायत्री मंत्र। हाँ वही गायत्री मंत्र। तुम्हें कैसे पता गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? तुम्हें भी पता चल सकता है अगर तुम पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो। हाँ लेकिन कॉलेज पढ़ने के लिए थोड़ी ना आए हैं। तो व्हाट? ओके, मुझ पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी कहाँ है? कॉलेज में। अब ये मत पूछना कॉलेज कहाँ है। लेट्स गो, कम चलो। ये क्या है? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी? यहाँ तो मेंढक वगैरह काटते हैं ना, यहाँ पढ़ेंगे कैसे? वो लेबोरेटरी है, ये लाइब्रेरी है। चलो। आई लाश, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओह, कोई मर गया क्या? साइलेंस। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो चलो। कमाल है, एक रश्मि है जो तेरे प्यार में गिरती ही नहीं और एक डिंकी है जो मुझ पे गिरती रहती है। हाय। लो, इसके बारे में बात करो तो सामने आके खड़ी हो जाती है। अब मेरे पास ही आएगी, देखना। हाय। हाय। अरे मुझे लगा तुम सिवाय टॉयलेट और लाइब्रेरी के और कहीं नहीं मिल सकते। क्या पढ़ रहे हो? किताब। लव स्टोरी? हिस्टोरी, आई मीन हिस्ट्री। कूल। वैसे इस वक्त मैं तुम दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ। सैटरडे नाइट एट रेक्सी क्लब। इट्स टू सेक्सी। अरे टिंकी, तुमने 2 महीने पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, क्या हुआ? ओह, वो तुम्हारी पासपोर्ट में लिखी डेट का बर्थडे था, असली वाला अभी है। यू गाइस आर गोना कम? नो। हाँ बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू यू टिंकी। पर यू नो, मैं पार्टीज और क्लब्स में नहीं जाता क्योंकि ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ और ना ही डांस कर सकता हूँ। Come on, show some loyalty to a section C. सारे स्टूडेंट सारे section C के, तुम्हें भी आना पड़ेगा। But section C में तो वो ये आएगा, मैं भी आऊँगा। लेकिन class A से और कोई नहीं आ रहा क्या? Oh, okay, I get it. मैंने बोला था उसको, 1000 नखरों के बाद बोली, I will try. हाँ, फिर भी please कोशिश करो। Okay, I'll try. Okay. Okay, guys, bye. तुम जाना भैया, मैं नहीं जाऊंगा। देख बेटा, जितना तू इन लोगों के साथ घुल मिल जाएगा ना, उतना तेरे लिए अच्छा है, तेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है। हर गुड बॉय को बैड बॉयज के रंग भी दिखने चाहिए, हैं? क्योंकि उसके बाद उसे उस बैड बैड वर्ल्ड में बाहर जाना है, हैं? तो अभी ट्रेनिंग ले ले। चल एक काम करते हैं, आज तो क्लास में घुस कर देखा। क्या बे, क्या हुआ? हाँ, सबके सामने पिटेगा या क्लास में अकेले में? क्लास में। चल चल चल, चल बेटा चल, आजा आजा। अरे यो मैन, मेरा फर्स्ट टाइम गया। हाँ चल चल, ज्यादा जोर से मत मारना। हाँ
यो बड़ी कहाँ है? 15-16 साल की होगी। क्या? अब मेरा मतलब है कि मेरी उम्र 15-16 साल की थी जब मैंने पहली बार एक किताब पढ़ी थी। 15-16 साल? तब तुम ये सब समझ सकते थे? हाँ, वो तो मैं 10 साल की उम्र में सब कुछ सीख गया था, समझ गया था। लेकिन मौका मुझे 15-16 साल में ही मिला। काफी इंटरेस्ट लगता है तुम्हें इस सब्जेक्ट में। हाँ, सच पूछो तो मुझे इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। मैं इस सब्जेक्ट की गहराई तक पहुंचना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ इसकी लबों की, अब मेरा मतलब है लफ्जों की गहराई में। सच कहूँ तो मुझे इस सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, यू नो, लेकिन लगता है कि मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ, मैं तेरे को तैयार हूँ। अपनी नॉलेज, मेरी फिलॉसफी है कि जब इंसान इन किताबों से कुछ सीखता है, पढ़ता है, तो उसका प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस ले। वन शुड बी ओपन टू एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ। क्या? और तुम जानती हो मेरा नया सब्जेक्ट क्या है? क्या? तुम? जोक्स अपार्ट, आई एम काफी इंप्रेस्ड कि तुम कार्ल मार्क्स पढ़ते हो। आई मीन, नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं ये सिर्फ तुम्हें इंप्रेस करने के लिए पढ़ रहा था, सीरियसली। You're too smart. I am. That's why you like me. Who told you that? जानता हूँ मैं। Smile. You can't do that. It's bad manners. Of course I can. I'm a bad boy. Rajan, मेरी भी फोटो लो ना। नहीं, वो बैटरी डाउन हो गई है। यार, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों हॉस्पिटल में बदल गए थे। जो बेटा तेरे डैड को चाहिए था वो मेरे डैड को मिल गया, जो मेरे डैड को चाहिए था वो तेरे डैड को मिल गया। या आई मीन, हम जैसे हैं वो उसमें खुश क्यों नहीं रह सकते? आई नो, जब देखो हमें अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। रश्मि, रश्मि। हाँ रश्मि। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बोलो। पहले प्रिंसिपल सर ने आज शाम तुम्हें और राजू को घर बुलाया है। घर? प्रिंसिपल ने घर पे बुलाया? क्यों? आई थिंक वो तुम दोनों से काफी इंप्रेस्ड हैं। इंप्रेस्ड हैं? ओके ओके ओके। अच्छा सुनो, एक और चीज, मुझे कुछ क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए थी। क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए? जरा जोर से बोलो। रश्मि, एक सेकंड ना, यहाँ पे नेटवर्क जरा लो है। एक सेकंड, कुछ सवाल के जवाब पूछ रही है। तू सवाल सुन, मैं जवाब सुनाता हूँ। शिट मैन, यार बाल बाल बच गए। इस बार तो था यहाँ पे, अगली बार क्या करूँगा? अगली बार बोल देना, पता नहीं है, मालूम करके बताऊंगा। एट द मोस्ट सोचेगी तुझे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है। अरे कम से कम गलत जवाब देने से तो बच जाएगा ना। अगली बार यही करूँगा। बड़ी ठंडक महसूस हुई तुम दोनों का एसी कॉम्बिनेशन देखकर। एसी? ए यानी कि तुम, और सी यानी कि तुम। एसी? नहीं सर, ए सेक्शन में मैं हूँ। हाँ, तुम सी में हो लेकिन ए सेक्शन के स्टूडेंट्स की तरह जवाब देते हो। एक्चुअली सर, फोसा तो यही मुझे सिखाता है ना, वेरी हेल्पफुल। पर मिस्टर ए, कैन यू हेल्प मी विथ माय पीसी? एज ये मॉडर्न एजुकेशन का सीडी है वो खुल नहीं रहा है, तो इफ यू कैन। ओह श्योर, लाइए। वो क्या है, विंडोज में प्रोग्राम में जाकर सीडी का कोड ब्रेक कर लो तो अपने आप खुल जाता है। मैंने सिखाया, इट्स एन इंडियन सॉफ्टवेयर। ये
ग्रेट। ये एक MMS नहीं जा रहा है मेरे मोबाइल से, हरियाणा में जो रैगिंग हुआ। हाँ सर, ये तो वो अमीषा गुप्ता वाला केस है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ जाओ, मेन्यू में जाओ, स्क्रॉल करो, और ये आपका MMS सर। अच्छा है ना सर? सरप्राइज है, मुझे लगा था कि कंप्यूटर का प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे और तुम मोबाइल पकड़ोगे, लेकिन आदतें बदली बदली नजर आती है दोनों की। सर हमारी आदत है एक दूसरे को ये सब सिखाना। हाँ सर, हम हमेशा एक्सचेंज मेरा मतलब है स्किल एक्सचेंज में बिलीव करते हैं। तुम्हारे पैरों में कुछ हुआ है? सर नहीं, जूते दिए ना नए इसको। हाँ सर, इन्हें जब भी जूते मिलते हैं तो मुझे ही खाने लेने पड़ते हैं। बाय बाय सर। बाय बाय सर। राजन, थैंक्स। माय प्लेजर सर। आवर प्लेजर सर। ऐसे और भी प्लेजर मिलेंगे नियर फ्यूचर में। बी रेडी। सुना तुमने रश्मि ने क्या कहा? सुना, उसे तो कोई फर्स्ट क्लास 95% वाला लाइफ पार्टनर चाहिए। यानी कि मैं प्रेम की जंग में हार गया। 100%। और तू क्या? मैं भी हार गया। डिंगी को 35% से 70% लाने में मेरी तो जिंदगी चली जाएगी, पर जरूरी है उसके लिए नहीं, मेरी अपनी दिमागी शांति के लिए जरूरी है कि मैं उसे भी सीरियस स्टूडेंट बनाऊं। तो फिर जा, दिमाग की शांति पा और मुझे पढ़ने दे। चलो डिंकी, पढ़ाई शुरू करते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमारे सामने पूरी रात पड़ी है। इसीलिए तो जल्दी है, मैं यहाँ सारी रात तुम्हारे घर में बिताना नहीं चाहता। ठीक है, कल सुबह चले जाना। क्या? देखो डिंकी, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो, आज मैं तुम्हें पढ़ने का एक नया तरीका बताती हूँ। नया तरीका? हाँ, बहुत आसान है। उसे कहते हैं SS। SS, you mean serious studies, right? Strip study. What? चलो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और हर सही जवाब के लिए एक चीज स्ट्रिप करूंगी। देखो डिंकी, ये पढ़ाई करने का बहुत ही डेंजरस तरीका है। पता है, इसीलिए तो ये तरीका सोचा है मैंने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। द ट्रूथ इज ऑफन अ टेरिबल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये किसने कहा? अल्फ्रेड एडलर ने। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सेइंग दैट मैन should love his neighbor as himself, and in a few hundred years it should become as natural as breathing itself. Kisne kaha? Alfred Adler ne. Correct. No. Okay, next question. Love in itself, in the form of longing and deprivation, lowers the self-regard. ये किसने कहा? Alfred, 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 Alfred. Hitchcock. Sorry, गलत जवाब. No, 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 no. Wait. John Gray. Oops, गलत जवाब. Stop. I know this. Carl Gustav Jung. Yeah. Galat jawab. No. Sorry. Next time. Total loss hai tumhara beta dance mein. Total loss. Ji, dance mein main. Aap aisi baatein mat kijiye. Ab to kya karu fir? Kya karu? Isko dance competition mein jana hai. अरे पजामे में छिपकली घुस जाए ना तो ये ऐसे नाचेगा ऐसे।
हे देवा, मेरे घर में ये प्रभु देवा ही पैदा करा था तूने? अरे कभी गणपति में या डाडिया में तो नाचा नहीं तो आज तक? मेरा बच्चा कोशिश तो कर रहा है ना। कोशिश यार, तेरे साथ तो टिंकी है, रश्मि अब भी, तो क्विज भी जीतेगा और रश्मि का प्यार भी। बस तू सिर्फ मेरी तरफ देखते रहना, जवाब मैं दूंगा, बोलेगा तू। एंड द कोड्स आर राइट ईयर ए, नोज बी, लेफ्ट ईयर सी एंड लिप्स डी।